और आज मैं 1 साल बाद जा रही हूँ मार्केट। और सबसे मेन मुद्दा है मैं बाल भी कटवाने की सोच रही हूँ, नेक्स्ट क्या होता है। मैं और मेरी नाना जा रहे हैं मार्केट, तो मैं हो गई हूँ यहाँ पर तैयार और अभी मेरे बाल नहीं सूखे हैं। और आज हाँ बस ऐसे काट दो जो अच्छे लगे, और मेरे बाल बहुत पतले हैं। नाम याद नहीं आता ना बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोग इसको देख के पहचानते हैं, इसको देख के भी जानते हैं। गाइस देखो मेरी फेक आईडी बना रखी किसी ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला बार प्रणाम। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज उत्तराखंड हल्द्वानी से, और आज है हमारा डे टू। तो गाइज मैंने जैसे भी नहाया है और शायद अभी 11:30 का टाइम हो गया है। बच्चों को सुबह ही नहला दिया था और नोनू की तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक है कल से, लेकिन अभी भी चिड़चिड़ी है और मतलब सब जगह नहीं रह रही है, थोड़ा सा रो रही है। जैसे वो हमेशा खुश रहती तो आज वैसे नहीं है। इधर आजा, और हमारा लड्डू भी यहीं है। तो अभी ना मैं और मेरी नाना जा रहे हैं मार्केट, तो मैं हो गई हूँ यहाँ पर तैयार और अभी मेरे बाल नहीं सूखे हैं। और आज मैं सोच रही हूँ मैं बाल कटवाऊँ, क्योंकि ना बहुत ज्यादा, तो मैं सोच रही हूँ ना बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो थोड़ा सा इनको कटवा लेती हूँ। और बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रही है, लेकिन मेरे को डैंड्रफ क्लीन करवाने का आज टाइम नहीं मिलेगा शायद, फिर नोनू की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो हम दोनों नैना भाभी जा रहे हैं हल्द्वानी की मार्केट। 1 साल बाद मैं हल्द्वानी की मार्केट जा रही हूँ। और मौसम ना आज बहुत ही ज्यादा मस्त हो रखा है, पूरी मतलब एकदम तूफान तूफान सा आ रहा है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। आज ना हमारे घर में ये रहेंगे और नोनू को देखो डी के चप्पल देखो, तो ये लोग रहेंगे घर पे और मम्मी गई है कीर्तन में। और मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, तो सबसे पहले मैं चलती हूँ ऊपर, मैं अभी नीचे आ रखी थी। ये देखो नीचे मेरा कमरा जो है ना अभी भी साफ नहीं रखा है, मम्मी कभी भी मुझे सुना सकती है साफ नहीं क्या करके। तो आज कल मैं चल रही गेहूं की कटाई, और मौसम देखो बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब एकदम सुहाना सा मौसम है। और यहाँ पे गेहूं काट रहे, जब ये गेहूं की चुटाई होगी ना तो इतनी धूल आती है ऊपर मेरे कमरे में, तो बहुत ही ज्यादा आती है। मौसम इतना प्यारा हो रखा है, मम्मी सभी लोग कीर्तन में जा रखे हैं, आजकल कीर्तन का टाइम है, सुबह और शाम को ये लोग कीर्तन में चले जाते हैं। ओह थकी मैं, थोड़ी सी तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ी सी क्या ऑलमोस्ट मैं तैयार हो गई हूँ। अब मुझे करना है, बाल गीले हैं तो क्लेचर कर लेती हूँ। और आज मुझे जाना पड़ेगा ऑटो से, क्योंकि स्कूटी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, तेल भी नहीं है उसमें और ऐसे मिल नहीं रहा है बॉटल से, तो थकान हो गई। भाभी लोगों की स्कूटी से ले लेंगे बाद में, बट अभी चलते हैं। और ये वाले कपड़े मैं घर पे रख के गई थी बट मुझे फिट आ रहे हैं, ये कह रही मुझे भी आना है आने। तो चलो जी तैयार होते हैं, और आज का व्लॉग भी 2 बजे आ जाएगा मेरा, अभी अपलोडिंग पे लगा चुकी हूँ मैं। और आई होप आप लोग को यहाँ के व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर करो और बहुत सारे सब्सक्राइब करो और व्यू बढ़ाओ मेरे। ऐसे आपको अभी यहाँ पे आपको डेली व्लॉगिंग मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा इधर। अभी भी मेरा जो कमरा है ना काफी ज्यादा फैल रखा है, जैसे कि पीछे आप लोग देख सकते हैं यार, इधर जगह नहीं है। अभी देखते हैं सूटकेस जितने ना नीचे रखेंगे, क्योंकि नीचे रैक है, तो लेट्स सी क्या होता है। आज तो मुझे घर आके पूरा साफ करना है, तो यहाँ देखो मैं ये क्या है। और मैं तैयार हो गई हूँ, यहाँ पे मैंने पहनी वाली जीन्स और ये वाला टॉप, ये दोनों ही घर पे थे। ये प्रेस भी कर नीचे रखी थी, इन्हें मेरे कपड़ों में प्रेस किया था, मैं नाम करने गई थी। और ये रहा मेरा ड्रेसिंग, ये देखो ये मेरा ड्रेसिंग है। और यहाँ पे मेरी चीजें हैं कुछ जो मैं घर पे छोड़ के जाती हूँ, लेकिन अभी मुझे इसको भी अच्छे से अरेंज करना है। तो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था हम मार्केट में खा के आएंगे, उनका तो फास्ट है, मम्मी तो खैर कुछ भी खा सकती है, तो मैं सोच रही हूँ डी और मम्मी के लिए भी आएंगे। पता नहीं, ये तो बोल रही कि आना है, तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी हल्द्वानी की मार्केट। हम लोग चले गए हैं मार्केट के लिए, तो हेलो बोल दो। चलो दादा आप भी हेलो बोल दो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग। तो हम दोनों ना जा रहे हैं मार्केट, मम्मी गए कीर्तन में और नोनू को छोड़ के जा रहे हैं उसके डैडा के पास। और आज मैं 1 साल बाद जा रही हूँ मार्केट, और सबसे मेन मुद्दा है मैं बाल भी कटवाने की सोच रही हूँ, नेक्स्ट क्या होता है। आज हम ऑटो में जा रहे हैं, मौसम अच्छा रखा, लेकिन मस्त वाला मौसम रखा है। और मैं और रेखा ना बहुत टाइम बाद जा रहे हैं एक साथ, क्योंकि ये आते थे मैं इनके साथ चली जाती हूँ, शायद काफ़ी टाइम हो गया है। तुम बुआ है, बुआ और पुचकू की सही जोड़ी हो रखी है, वो बुआ ना उसको पुचकू बोलती हैं। तो चलिए जी चलते हैं मार्केट, आगे पर से हमको ऑटो मिल जाता है। तो हाँ बस ऐसे काट दो जो अच्छे लगे, और मेरे बाल बहुत पतले हैं, छोटे ज़्यादा ना। हाँ वॉल्यूम के लिए प्लीज़ अच्छे काटना, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत गंदे काट देते थे, मैं सच बता रही हूँ। हाँ नहीं, ऊपर किसी ने काटे थे तो मैं डर रही थी। प्लीज़ अच्छे कर दो, ठीक है।
तो मैं आ गई हूँ अभी सैलून में सबसे पहले बाल कटवाने के लिए। और देखो भैया कैसे काटते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम सब लोगों ने बहुत मजाक बनाया था मेरे बालों का, होप सो इस बार सब लोग खुश हैं, मतलब अच्छा लगे सबको। तो चलिए जी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे बाल कट चुके हैं और ये पूरे साल की मेहनत घर आते ही मैंने कर दिए खत्म। अभी हो गए तो उससे अब अगले साल फिर से घर आऊंगी, फिर साल कटा दूंगी। हाँ वैसे दो चिटियां बना लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी मुर्गी बन के और बाल काट दिए। घर जाके पता चलेगा कि कैसे हो रखे हैं, नहीं तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो काफ़ी टाइम बाद कट के, लास्ट टाइम तो बहुत बेकार बनाए थे, इस बार थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि संतुष्टि वाले। अब लेट्स सी रेखा और ये लोग क्या बोलते हैं। रेखा तो बोलती है कि अच्छे ही लग रहे हैं। तुम दोनों पीछे क्यों रह गए? तो चलो जी अभी घर जाके देखते हैं कि क्या ही बोलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट की साइड। सही लग रहे हैं क्या? लास्ट टाइम भी झूठ पैसे बोला था तुमने तो। तो ना अभी रेखा से मैं पीछे से बनवा रही हूँ, देख कैसे लगते हैं। वो पूछ रही थी कैसे लग रहा है। तो छोटू कह रही अभी तो सही लग रहा है। वो तो घर जाके अब पतिदेव और सासू माँ के कमेंट सुनना पड़ेगा कैसे लग रहे हैं करके। हम लोग आ गए हल्द्वानी मार्केट और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इधर। देखो संडे आज यहाँ की मार्केट है, संडे को बंद नहीं रहती है। बुआ का हाथ पकड़ के आओ। ये दिल्ली की सरोजनी मार्केट है। क्या हुआ? नाम याद नहीं आता ना बहुत सारे लोगों को। ज्यादातर लोग इसको देख के पहचानते हैं, इसको देख के भी जानते हैं। आए हैं नोनो के लिए कपड़े देखने के लिए, उसके अन्नप्राशन के लिए येलो कलर के। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लें करके। कैसे लग रहा है? ये भी सही है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। पार्टी का यूज ही नहीं आता बच्चों का, वो क्या रहेगा, वन टाइम यूज करेंगे। हाँ वही तो हम लोग कुछ फ्रॉक देख रहे हैं उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर देख रखे हैं। उन्होंने के लिए का कलर थोड़ा सा डल है ना, तो सोच समझ के लेना पड़ता है बस उसके लिए कलर। तो हम हाँ ठीक है, ये सारे कम्फर्टेबल है। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ घर और अभी देखते हैं हस्बैंड जी का रिएक्शन क्या होता है। दरवाजा खोलते हैं। हेलो, हाँ क्या कर रहे हो? ऐसा फैला रखा है, सन्नाटा नहीं है। और ये तो मैंने सुबह जाने से पहले ही बोल दिया था मम्मी ऊपर आएगी तो मम्मी ने पक्का बोलने है करके, लेकिन जगह नहीं थी। कौन सी जगह? इतना बड़ा कमरा है, फिर भी जगह नहीं है। सामान रखना कहाँ है ये समझ में। तने मैंने बाल काट दिए। कैसे लग रहे हैं? बताओ कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? मतलब प्लास्टर से ठीक लग रहे हैं? तो थैंक गॉड। पता मैं तो उसे भी कह रही सलून वाले से, मैंने कहा वो तो घर जाके पता चलेगा कि कैसे लग रहे हैं करके। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं सुबह ही कह रही थी कि मम्मी चेक कर देंगी मुझे करके, लेकिन यार मैं भी तो कब करूंगा बताओ। सामान रखना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ना अब करती हूँ इनके साथ मैं भी काम। आ गए हम अभी मार्केट से, हम तो खा के भी आ गए। इनका तो व्रत है ना। मैंने कुकर में कुछ रखा था खिचड़ी। तो गाइस अब तो मुझे काम करना पड़ेगा, सासू मैंने चेक कर दिया है और आज ही सारा काम हमें निपटाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो आज मैं कर ही लूंगी और आज के ब्लॉग में मैं अपना कमरा पूरा चेंज करके दिखाऊंगी। तो पतिदेव ने ना हमारा जो बेड है मम्मी हमेशा इसके लिए नुक्स निकालती रहती है। ये है तो बीच में लगाने वाला क्योंकि इसके अगल बगल इसके स्टूल आएंगे। अकॉर्डिंग टू फैशन तो बेड बहुत अच्छा है और मम्मी कहती है हमेशा ऐसा बेड बना दिया, ऐसा बेड बना दिया, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, घर वालों को ज्यादा जुबान नहीं लड़ाना चाहिए। मेरी शादी का बेड है, मेरे हिसाब से यही मेरे कमरे में रहेगा। अपने लिए जैसा बनाना बनाओ। तुमने क्यों नहीं कहा था 35-35 हजार रुपए का बेड बनाया, तो कहना चाहिए था ना मत बनाया ऐसा करके।
मैं अकेले सोऊंगी, मैं और मेरी नोनू सोएंगे इसमें। मैं आ सोता हूं। हां मत सोना तुम। ये बहुत ही दलबदलू इंसान है। ये मेरा बच्चा उठ गया। मैं बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे से जो फ्लॉक लाई हूं, फ्लॉक। हां क्या पहनेगा मेरा बो? कल भी पहनेगा। हां अच्छा कल हमारे घर में नौलाद ली है। मैं पूछी का बोला इस्माइल कला ठीक हो आप? आपकी तबीयत ठीक है? हाउ आर यू इस्माइल? मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आई। ओ आज मुझे एक सब्सक्राइबर मिली किरण मार्केट में। यार कहाँ दिखाओ फेसबुक में? गाइस देखो मेरी फेक आईडी बना रखी किसी ने। प्लीज इससे किसी की भी रिक्वेस्ट आए तो आप लोग रिस्पॉन्ड मत करना और इसकी रिपोर्ट कर देना है। देखो इसके वॉलपेपर ये आप देख सकते हैं, बैक में इसने ये लगा रखा, फ्रंट में मेरा यूट्यूब वाला और जो मेरा फेसबुक पेज का फोटो है वो लगा रखा है। अगर किसी भी आईडी से आपको रिक्वेस्ट आती है, ये है मनीषा मेहर, तो इसको प्लीज रिपोर्ट जरूर कर देना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यार लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है। एक बार मेरे नाम से बहुत पहले, मतलब आई थिंक 4-5 साल पहले मेरे नाम से ज्यादा हो गया थे, तो हमारी शादी नहीं हुई थी ना, होने वाली थी शायद, तब मेरे नाम से एक आईडी बनाई थी और अभी फिर से बनी। ये लोगों को पता नहीं क्या ही मजा आता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना और इसको रिपोर्ट जरूर करना। आपको पता मुझे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले आज। और आपको पता है मेरे साथ हमेशा क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अक्सर मुझे सब्सक्राइबर देखते हैं ना, या तो मैं सामने ज्यादा अच्छी लगती हूँ या फोन में ज्यादा अच्छी लगती हूँ, तो वो हमेशा मेरे को देखने के बाद डाउट करके डी को देखते हैं। उसी से पहचाना। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसी हुआ था, मेरे को सेम जगह पे अपने सब्सक्राइबर मिली थी और उन्होंने पहले मुझे देखा, मुझे पता नहीं पहचाना नहीं पहचाना, फिर डी को देखा बोलते हाँ अब वही है। तो वो भी बट थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो और थैंक यू, और हमारे ब्लॉग देखने के लिए ऐसे देखते रहो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई भी मिलता है कि हम बोलते हैं हम तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं, है ना? मैं उनके साथ फोटो खिंचा के लाई थी। चलिए जी काम कर लेते हैं, नहीं तो सासू माँ ना फिर आ जाएंगे अपने रॉप में। वैसे मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। तो गाइज हो गई है रात और मैं आ गई हूँ ऊपर, हम सभी ऊपर आ गए। आज ना हम लोग ऊपर सो रहे हैं क्योंकि आज मौसम अच्छा है और गर्म नहीं हो रहा है। कल हम लोग ना नीचे सोए थे मम्मी वाले कमरे में, तो फिर मम्मी को भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्योंकि मम्मी को दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ता है, तो इसलिए आज हम लोग ऊपर सो रहे हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है। और अभी मैं पी रही हूँ दूध, सब लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं। ये तो नहीं पी रही है, मैं पी लेती हूँ ये। और अभी भी हमारा काम चल ही रहा है थोड़े बहुत, क्योंकि आज ना इन्होंने सारे कपड़े बेड वेड जितने भी थे सब निकाल दिया, पूरा घर का नक्शा बदल दिया है कमरे का। वो मैं आपको फिर से अपना होम टूर कराऊंगी जब हमारा रूम अच्छे से सेट हो जाएगा। और गुड़ 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 गुड़